कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ तो लोग कहेंगे कि चलो आज लॉग पढ़ेंगे। एवरीबॉडी, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रादर डाइसेक्ट, रादर किल, मेक इट डेड एंड स्लॉटर दिस कम्प्लीटली। तो यार, लॉगिक्स इज वन पोर्शन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे आई हैव सीन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्लस व्हेन आई रेड योर कॉमेंट्स ऑन दी अदर वीडियोज, मुझे लगा लॉग तो एक अलग से वीडियो डिजर्व करता है बॉस। येस और नो? येस। There are two parts to logs now. Please understand. One is very basic कि क्या exactly उसकी definition है, how is it used, how are the properties derived and how do you use them in the questions. तो log यार एक ऐसा topic है जो आपका किसी भी exam में अलग से test हो, that is not important. Okay? So whether it is your school exam, your JEE, your NDA, it's not necessary that you will get 100% a separate question. But this makes the foundation for a lot of questions. That's why today's session is super duper important. ठीक है? तो यार आप घर पे बैठे हो, ठीक है? लेकिन जैसे कि बोला है, लर्निंग वोंट स्टॉप। और अब तो वैसे ही, अच्छा आगे जाने से पहले मुझे ये बता दो यार, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए लाइव वीडियो की थी, यस, कितने बच्चों ने ये वीडियो देख ली है? द न्यू डेट्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड बाय द MHRD मिनिस्टर डॉक्टर पोखरियाल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? यस। तो अब हमको पता चल गया ऑल द स्पेक्यूलेशंस दैट वी वर हैविंग कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा जेई। आई एम श्योर जो बाकी के एग्जाम्स हैं उन पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो यू वांट टू सी एनीथिंग इन डिटेल, आप यहाँ जा सकते हो। अदरवाइज द डेट्स आर 19th to 23rd July फॉर जेई मेन। ऑलराइट, तो मतलब बॉस आप सीरियस हो जाओ। और अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, ओके, तो जेई मतलब 5 बजे विद नेहा मैम। यस, जेई मतलब 5 बजे विद नेहा मैम। कहाँ? वेदांतु मैथ पे। यही होने वाला है हमारा जागन, बिकॉज दिस टाइम सीरियसली बॉस वी आर गोइंग टू किल इट। ठीक है, तो विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। एंड जैसे कि मैं कह रही थी, वेरी क्विकली बता दूं, इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी और आपको लगता है आपके पास सोर्सेज नहीं है, then Vedantu has got a perfect solution for you. You can go on vdnt.in/ytlive and tap on learn for free. जी हाँ, यहाँ grades 1 से 12 and even if आप dropper हो, ठीक है, आपके लिए बहुत सारे courses absolutely free कर दिए गए हैं। You just have to select your grade and the course. That's it. उसके बाद आपने क्लिक करना है एनरोल पे एंड यू विल बी एनरोल्ड, रजिस्टर्ड एब्सोल्युटली फॉर फ्री। यू विल हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ क्लासेस, लॉट ऑफ नोट्स। मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डेफिनेटली विजिट vdnt.in/covid। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल ईच वन ऑफ यू, क्योंकि हर रोज हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं कहाँ से? वेदांतु मैथ से। आर यू गाइज एक्साइटेड? यस, तो ये काम किया कि नहीं? यस एवरीबडी, फटाफट से मेक श्योर यू आर हियर। अगर यहाँ पे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ट्रस्ट मी, आज टूवर्ड्स दी आई मीन टिल दी एंड अगर आप इस वीडियो को देखते हो, यू आर गोइंग टू फील सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट लॉग्स। यस, एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर द न्यू स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, लेकिन जेई के एस्पिरेंट हो तो 5 बजे मतलब नेहा मैम कहाँ? वेदांतु मैथ। वी विल स्टार्ट किलिंग इट। ऑफकोर्स और सीरीज भी इंट्रोड्यूस होगी, लेकिन 5 बजे तो हमारा कॉन्स्टेंट टाइम रहने वाला है। ओके, चलिए, ओके, लेट्स नाउ गेट स्ट्रेट। आज पूरा इसको अच्छे से समझते हैं। हमको पता है यार, हम 100 को 10 स्क्वायर लिखते हैं, हमको पता है हम 1000 को 10 क्यूब लिखते हैं, बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि 72, ओके, इज इक्वल टू 10^x। अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा यहाँ पे x। हाउ डू यू थिंक वी कैन फाइंड दिस? यस, सो इफ आई आस्क यू टू फाइंड 10^x होता है 72, तो बॉस x की वैल्यू क्या होगी? नाउ सच क्वेश्चंस
were and many more questions we were not able to find directly, correct? And that is the reason John Napier introduced something as beautiful as logs. ठीक है, taking log on both sides बहुत बच्चों ने कह दिया, पर ये समझें आखिर ये log है क्या? Okay, so for this we need a new scale जिसको आज से हम बोलने वाले हैं logarithmic scale. Okay, तो अब इसको जरा समझो, इसको आप exactly याद कैसे करोगे? आपको एक पावर की कहानी सुनाते हैं. आर वी रेडी बच्चों? एक पावर की कहानी सुनते हैं. सो हमको ये चीज़ पता है, देखो 10 रेज टू पावर y इक्वल टू x. अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको याद कैसे करना है. ऑल राइट, तो यार इसको देखो दोनों तरह से याद करना है, बट कैसे? एक आपको सिंपल चीज़ पहले समझाती हूँ. 10 स्क्वायर 100 है, इसको पहले लॉग में लिखना सीखो. लॉग आपके पास एक ऐसा टूल है जो आपके इस एक्सपोनेंशियल रूल को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो आप. लिसन टू दिस सुपर केयरफुली, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. 10 स्क्वायर 100 है, इसको याद करने का तरीका. सबसे पहले बच्चों जो पावर में है इस दुनिया में, जो पावर में है सबसे ज्यादा उसकी चलती है. सो समबडी हु इज सुपर पावरफुल इज द वन who has the maximum say. ठीक है, तो इस 2 को तो अलग से हमने सीट दे दी, हमने बोला यू सिट ओवर देयर आराम से. ठीक है, अब बाकियों के साथ करना है, जिनके कारण वो पावर में था. यस, 10 स्क्वायर यानी जिसके कारण वो पावर में था, जिसके ऊपर चलकर वो पावर में आया, वो बेचारा नीचे ही रहेगा. दैट बिकम्स द बेस. ओके, एक बार समझो, दैट बिकम्स द बेस. And whatever is left over here comes here. Now let's try and understand यहाँ पे हुआ क्या है. Okay, so log is a kind of function. वैसे मैं इसकी function वाली बात थोड़ी बाद में करेंगे हम. पहले it is a kind of function जिसमें एक number के साथ एक base दिया होता है. Alright, तो यहाँ पे इसको बोलते हो आप base of log. आगे हम धीरे धीरे properties भी discuss करेंगे. तो याद करने का तरीका एक बार सब लोग फिर से समझ लो. द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, 10 स्क्वायर अगर 100 है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? अगेन अंडरस्टैंड, जो भी पावर में है इज द मोस्ट पावरफुल, उसको आप स्पेशल सीट दे दोगे. राइट, नाउ लॉग इंट्रोड्यूस करके ये जो 10 है आपका, बेसिकली द रीजन जिसके कारण बेचारा 2 पावर में पहुंचा था. So this 10 बिल्कुल नीचे बेस में चला जाएगा and this one will stay 100. ये कन्वर्जन हमें अच्छे से आनी चाहिए because this is the heart and soul of the entire chapter. इतना समझ आ गया तो मतलब आपको आगे सारी चीज़ें easy लगेंगी. ओके, एंड आई शुड नो इट वाइसी वर्सा. मतलब अगर ये चीज़ हो, इसको वापस कैसे लिखोगे? फिर समझो, जो बेस में है, जो बेस में है दैट विल हेल्प इसको ऊपर जाने के लिए. जो बेस में है, द पर्सन हु इज इन द बेस विल हेल्प द पर्सन ऑन द अदर साइड टू राइज, है ना? तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. समझ आया या नहीं आया, लेट मी टेस्ट यू. ठीक है, चलो एक आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, पर इस बार इतना डायरेक्ट नहीं. ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी. ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी, इसको जरा लॉग में कन्वर्ट करके दिखाओ एवरी वन. ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू बी, लेट्स कन्वर्ट दिस इन लॉग. मैं देखूं यहां कितने बच्चे मुझे कहां कैसे लिख के दिखाते हैं. यस, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो पावर में है, यस, उसको तो सबसे पहले अलग से सीट दे दो. करेक्ट, जो जिसकी वजह से वो बेचारा पावर में पहुंचा था, द रीजन वाई ही वॉज इन द पावर, वो बेचारा बेस में रहेगा एंड द अदर वन कम्स हियर. यस और नो, मुझे दिख जाना चाहिए यस और नो. क्या बात है, मेरे बच्चों ने जवाब दे दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड दिस इज द एंटायर गेम वी आर गोइंग टू प्ले इन द चैप्टर. बस इसी खेल खेल में आप चैप्टर को कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. अमेजिंग. चलिए ग्रेट, अब देखो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो यही चीज मैंने आपको करवाई है यार, यही चीज करवाई है. कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, है नहीं. अब ये एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, ठीक है. लॉग
यहां से आई एम जस्ट नोटिंग दिस. अब आपको कन्वर्जन उल्टी भी आनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम हाइडिंग द सॉल्यूशन. इसमें कन्वर्जन उल्टी कैसे करोगे, राइट? हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू कन्वर्ट इट बैक टू एक्सपोनेंशियल? व्हाई एम आई सेइंग एक्सपोनेंशियल? हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉग यार एक दूसरे को रिपेल करते हैं. बेसिकली दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो, जो आपका बेस में है दैट इज गोइंग टू हेल्प कि वो पावर में चला जाए जो राइट साइड में है. 2 raised to power k is 8, यानी कि दिस इज 2 cube, मतलब k is 3. यहां पे तो सॉल्यूशन वाज स्टिल हियर. अब आगे ऐसे बहुत सारी चीजें करेंगे एंड देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो बिल्कुल धीरे 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 करके जंबो वाले क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे आज. एवरीबडी चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गेट कंफ्यूज whether what we are learning is base 10 या we are learning with base e. okay, now understand log with base 10 जो शायद आपने 9 10th तक सुना होगा, that's common log. नाम है उसका common log and ये है बेचारा natural log. कहाँ? जो e क्या होता है? e is an irrational number जिसकी value 2.718 blah 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 है. basically it's an irrational number between 2 and 3. तो अगर आपने इसका base e कर दिया, yes, if you change the base to e then it is called natural log, जिसको हम ln x बुलाते हैं. okay, एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ ट्रिविया, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो आप डेरिवेटिव ऑफ log x करते हो ना, इसमें इट नथिंग इज मेंशन्ड बट बेस इज कंसिडर्ड टू बी ई. ये होता है 1/x. अदर देन दिस अगर बेस कुछ और है देन यू के नॉट राइट 1/x. ओके, क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है. समझ रहे हो कौन सा बेस पसंद है? ओनली एक्सपोनेंशियल. सो राइट नाउ प्रोमिस दिस कि आप यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इफ यू सी log ऑफ x विदाउट एनी बेस. आप लोग उसको नेचुरल लॉग लोगे टू द बेस ई. यस और नो? यस और नो? ये हमको समझ आ गया कि नहीं? एवरीबडी सॉन्ग से कोई नहीं भूलेगा. यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक. तो ln x या log x टू द बेस ई इज एब्सोल्युटली राइट. अब लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा फंक्शंस को यहाँ पे हम टच करेंगे, बट फंक्शंस, उसका ग्राफ, उसका डोमेन, रेंज आई विल कवर इन सेपरेट वीडियो. ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज ऑल्सो बाकी एस्पेक्ट्स कवर करेगी. फॉर log a x टू एग्जिस्ट, ठीक है, सिर्फ टच अपॉन कर रही हूँ इस चीज को. x जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोज में कहा हैज टू बी पॉजिटिव. ऑलराइट, हैज टू बी पॉजिटिव. योर बेस, द बेस दैट वी आर टॉकिंग ऑफ has to be greater than 0 but cannot be 1. क्या कोई मुझे यहाँ रीजन बता सकता है कि मैम जब पॉजिटिव बोल दिया तो why cannot it be 1? कोई है यहाँ पे जो मुझे चैट बॉक्स में ये बताएगा? Everybody, yes? Anybody, why can't this be 1? अब ध्यान से सुनो. If I say log base 1x and मैं बोलती हूँ यहाँ पे this is equal to y, ठीक है, मैंने यहां पे बोल दिया दिस इज इक्वल टू सम y, लेट कर दिया. अब इसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं? द सेम रूल बच्चों, कन्वर्जन कैसे होती है? बेस में यहां हम 1 एंड यहां जो है इसको पावर में लेके जाएगा इज इक्वल टू x, करेक्ट? 1 raised to power y इज इक्वल टू x. नाउ बच्चों, अगर आपका y इंफिनिटी नहीं है, अगर इन्फिनिटी है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी द आंसर विल ऑलवेज बी 1. तो यानी कि मेरा तो x की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी, वो तो नहीं हो सकता ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ट्राई टू कंसिडर कि यार ये x 2 है, तो यार ये तो मेरे को हर बार आंसर 1 देगा, 2 तो मेरा आएगा ही नहीं. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज 3 गोल्डन रूल्स. आज हमने 3 गोल्डन रूल याद करने हैं कि जो भी एंट्री आएगी नंबर की दैट हैज टू बी पॉजिटिव, आपका बेस हैज टू बी पॉजिटिव बट कैन नॉट बी इक्वल टू 1. लेट मी नो, गिव मी 3 लाइक्स ऑन द वीडियो. ठीक है, गिव मी 3 लाइक्स ऑन द वीडियो, क्योंकि ऑड नंबर होना चाहिए. इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स बच्चों. एवरीबडी, यस एवरीबडी, ओके, चलिए ग्रेट.
सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव अ लिटिल स्लो ताकि हर किसी को पता चल जाए. आज मैं आपके साथ 9 सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आई विल डू एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. अगर आपने ये 9 प्रॉपर्टीज कर ली देन यू कैन डू एनीथिंग. ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपने बोला एंड मैं आपको प्रॉपर्टीज सिर्फ रटवाऊंगी नहीं, आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम टू यू. लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, बेस के वही रूल्स हैं. लॉग ऑफ 1 इज 0. आज तक सुना था, आज प्रूव करते हैं. आर यू रेडी टू प्रूव दिस विद मी? कैसे करने वाले हैं इसको प्रूव? एवरीबडी अंडरस्टैंड. ओके, कैसे कन्वर्जन होगी? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? जो आपका बेस है दैट विल हेल्प राइट हैंड साइड को पावर में लाने के लिए एंड दिस विल बी इक्वल टू 1. वही कन्वर्जन का रूल इन एवरी सिंगल क्वेश्चन बच्चों. दिस इज व्हाट आई हैव. a raised to power 0 is equal to 1. ठीक है, अगर 0 हमें प्रूव करना है, सपोज थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तो ऑलरेडी प्रूव है. लेट मी से लेट log a log 1 टू द बेस e इज सम x. ठीक है, इज सम x. तो दिस मीन्स a raised to power x is 1. ये कब पॉसिबल है? When is this possible? It is only possible when your x is a 0. That's it. That's the only probable, that's the only possibility and that's the only proof. समझ में आ गया सबको? Yes, everybody. चलिए great. ये सारे solutions भी आपके साथ share हो जाएंगे in the telegram group. लेकिन यहां समझना ज्यादा जरूरी है. Let's quickly move to property number 2 क्योंकि आज बहुत सारे questions करने हैं हमने. Okay? Log and ये भी आपने सुना होगा कि इफ द नंबर एंड द बेस दे मैच, और ये किसी भी बेस के साथ पॉसिबल है. ओके, एनी बेस ऑफकोर्स ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर इज ऑलवेज 1. हाउ? एक बार सुनो, आई एम श्योर ये तो बाएं हाथ का खेल होगा. लेट अस अज्यूम दैट लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू सम एक्स. ठीक है, सेम रूल, वॉट एवर इज इन द बेस विल हेल्प द RHS टू राइज एंड ये तभी पॉसिबल है अगर x इज इक्वल टू 1, देन ओनली दीज टू विल बी इक्वल. समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ ऐसे नहीं रटनी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आई कहाँ से है. एवरीबडी यस? बिल्कुल. चलिए, सो लेट्स गो अहेड. सुपर पावरफुल प्रॉपर्टीज, 2 सुपर पावरफुल प्रॉपर्टीज एंड इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आपकी प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव्स एंड बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में, मतलब कैलकुलस में लॉग्स बहुत यूज होता है. कैसे? यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे, लेट्स गो वन बाय वन. इसको यू कैन रिमेंबर एज प्रॉपर्टी 3 एज प्रोडक्ट रूल. ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल नेम, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, प्रोडक्ट रूल. तो वो बोलते हैं लॉग ए, चलो हम थोड़ा लॉग ए सॉरी लॉग एक्स टू द बेस ए एंड लॉग एक्स लॉग वाई टू द बेस ए, अगर ये है दिस बिकम्स लॉग ऑफ एक्स इन टू वाई. क्यों बन जाता है यार? आपने बोल दिया, हमने मान लिया, प्रूव इट टू अस. सो दिस इज द क्लास, वी प्रूव इट टू यू. कैसे? सपोज आई से यार ये u है एंड ये v है. एवरीबडी समझ में आई ये चीज? ये u है, ये v है. लेट्स सॉर्ट दिस वन बाय वन. मुझे बताओ कन्वर्जन में क्या होगा यहाँ पे? यस, व्हेन यू कन्वर्ट log x टू द बेस a इज इक्वल टू u, कन्वर्जन कैसे करेंगे? एवरीबडी कन्वर्जन कैसे होगी? फिर से वही कहानी, जो बेचारा बेस में है विल हेल्प द राइट हैंड साइड टू राइज एंड बिकम लाइक दिस. है ना? बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया. सेम वे बच्चों, इफ आई टेक लॉग वाई टू द बेस ए इज वी, सेम कहानी, ए रेज टू पावर वी इज इक्वल टू वाई. समझ में आया सबको? यस, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. अब यार, एक बचपन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉर एक्सपोनेंट्स. रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलता था? a raised to power u into a raised to power v. मतलब if I multiply them, so this is x into y, this becomes a raised to power u plus v. बचपन में जो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, इट्स एब्सोल्युटली द सेम. है ना? एब्सोल्युटली द सेम. नाउ अच्छा, अब इसको वापस कन्वर्ट करो.
कन्वर्टेड बैक टू लॉग, मैं देखती हूँ कितने बच्चे करेक्ट लिखते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. फटाफट से इसको लॉग में कन्वर्ट करो वापस. यस, जस्ट कन्वर्ट दिस इन लॉग. कन्वर्ट दिस इन लॉग, बिल्कुल. क्या करोगे आप? वॉट इज द रूल वी डिस्कस्ड? जो पावर में है उसको आप अलग से लिख दोगे. जो पावर में है उसको अलग सीट देंगे ना हम. जो बेचारे ने हेल्प की पावर में आने में, वो मॉडेस्ट सा बच्चा बेस में आ जाएगा इनटू दिस. दैट्स इट. द क्वेश्चन इज केडीएस. क्यों? क्योंकि यू क्या था? यू था. एंड व्हाट वाज वी? वी वाज दिस. यस एवरीबडी, डिड वी अंडरस्टैंड दिस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस. एवरीवन, अगर सबको समझ में आ गया है कि ये प्रॉपर्टी आती कैसे है. देखो, अल्टीमेटली आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए, बट देन पता भी तो होना चाहिए ना कि हाउ डज इट कम. एवरीवन, यस, बिल्कुल, सुपर ऑसम, चलिए ग्रेट. अब यहाँ पे व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट बच्चाज मेक? क्या है यार यहाँ पे जो गलती कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को लगाने में? मिस्टेक. तो अगर आप भी नोट कर रहे हो कहीं, तो इसको हाईलाइट करके रख लो. मैंने बोला log x with any base plus log y is log x y, but बच्चे लगाते हैं log x plus y is equal to log x plus log y. ऐसे ओपन कर देते हैं. द मोमेंट दे सी log x plus log y, उनको लगता है शायद ये इसी की तरह सेम होता है. दिस इज समथिंग विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक. ये करेक्ट है, ये गलत है. ओके एवरीवन, सबको समझ में आया? और बेस नहीं भी लिखा बेटा तो आई एम टेकिंग द कॉमन बेस. करेक्ट? यस. चलिए, लेट्स गो हेड. दिस इज योर डिविजन रूल. ओके, दिस इज योर डिविजन रूल. सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी बेसिक. मैं दोबारा बता रही हूँ, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. क्योंकि क्या होता है ना, हम पढ़ाई तो जेई की कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें लॉग की प्रॉपर्टीज ढंग से अप्लाई नहीं करनी आती. नाउ लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, दिस इज योर डिविजन रूल. ठीक है, क्या हो जाता है? एक्स अपॉन वाई. बिल्कुल सेम तरीके से यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यू कैन प्रूव दिस ऑल्सो. ठीक है, आई होप मेरे बच्चे इसको प्रूव कर लेंगे. एवरीबडी, यस गाइस, इसको दिस इज. एंड फिर से मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे? व्हाट्स द मिस्टेक? कि लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई शायद होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई. ये बिल्कुल गलत है. ओके, द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. करेक्ट एवरीवन, चले आगे. चलिए, ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर गोल्डन प्रॉपर्टी. बहुत बार यूज होती है क्वेश्चंस में, आपके जेई के क्वेश्चंस में, एनडीए के क्वेश्चंस में, अरे आपके स्कूल के क्वेश्चंस में आ जाती है यार. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? नाउ लिसन अप केयरफुली. ऑलराइट, अब देखो इसमें भी बताऊंगी गड़बड़ कहां पे होती है, तो ध्यान से सुनना. ए के सेम ही रूल है, एक्स के लिए सेम ही रूल है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गाइस वो सोचते हैं कि एन तो कोई कांस्टेंट ही होगा. दिस एन हैज टू बी अ कांस्टेंट. नो, दिस इज अ मिथ. दिस इज अ मिथ. ये सिर्फ लिखा ऐसे जाता है. एन कुड बी एनी फंक्शन ऑल्सो. एंड ये चीज हम करते हैं डेरिवेटिव में. आप क्या करते हो जब आपका x रेज टू पावर साइन x का क्वेश्चन आता है? हम बोल रहे थे दिस इज द सुपर स्टार प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द सुपर स्टार प्रॉपर्टी. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? लेट अस टेक लॉग बेस ऑफ a x रेज टू पावर n. हमने बोला लेट इट बी u. सेम वाला फंडा बच्चों, सेम फंडा यूज कर रहे हैं. क्या? a raise to power u is equal to x raise to power n. After that, we are taking nth root of both sides. Okay, nth root of both sides. तो ये आ जाता है a raise to power u by n is equal to x. अब वही वाला फंडा लगाओ, सब लोग वही वाला फंडा लगाओगे यहाँ पे, log वाला. कैसे आएगा? Yes, कैसे लगाओगे यहाँ पे log? Base आपका ये बन जाएगा. ठीक है जी, यानी के व्हाट्स माय यू? इस एन को किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई एन लॉग एक्स.
टू द बेस ए इज यू, और यू क्या था आपका, ये था. सो वी हैव प्रूव्ड जो प्रॉपर्टी है. यस वी हैव प्रूव्ड बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्यूटली ओके. एवरीवन नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम याद कैसे करेंगे इसे. तो सबसे पहली चीज मैंने बताई, ये एन कुड बी एनी फंक्शन है ना, एन कुड बी एनी फंक्शन. ये जो एन है ये बाहर जंप मार के आएगा. कैसे, ये जो एन है वट एवर इट इज इट विल जंप आउट एंड बिकम एन लॉग एक्स. अगर ये चीज समझ में आई तो लिखो जंप इन द चैट बॉक्स फटाफट से, मुझे दिखना चाहिए जंप इन द चैट बॉक्स बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस एवरीवन बिल्कुल ओके ग्रेट आई कैन सी दिस नाउ. नाउ एक मिस्टेक क्या होती है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना. द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग यहाँ पे करते हैं इज log x raised to log to the base x whole raised to power n को भी बच्चे ये लिख देते हैं. This is absolutely मतलब गलत से भी ज्यादा गलत है ये, absolutely wrong. क्या है यहाँ पे गड़बड़ बच्चों, what is the गड़बड़ here? The गड़बड़ is ये जो आपका x raised to power n था ये log के ऊपर नहीं था, it was on the entire thing. Yes it was not on the log, it was on the entire thing. तो ये सब बात समझोगे. फिर से देखो, log to any base x raised to power n, n jumps out and becomes n log x. Okay everyone? Yes? चलिए. So the same solution will be shared with you. आगे बढ़ते हैं, another important properties. तो बस अब दो तीन property और रह गई है, उसके बाद we start attacking the questions. ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अब ये क्या हो रहा है यार, ये कैसी प्रॉपर्टी है अजीब सी, ये कैसी अजीब सी प्रॉपर्टी है मैम, लॉग ए. अच्छा बेस में भी कोई रेस टू पावर है. अब इसको ध्यान से समझ लेना बिकॉज दिस ऑल्सो गेट्स यूज्ड इन द क्वेश्चन. सपोज मैंने इसको वाई बोल दिया. याद करने का तरीका, इफ इट्स इन द बेस हियर तो 1 by n jumps out, बाकी सब सेम रह जाता है. फिर से सुनो, ओनली 1 by n. तो ये अगर a raised to power n है, अगर ये होता है आपके फंक्शन पे n होता है तो n बाहर जंप मारता है, बट अगर आपके बेस में पावर आ गई है तो ये बाहर जंप तो जरूर मारेगा लेकिन 1 by n बन जाएगा. हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ. सो I am not only asking you to mug up, I am giving you the proof also. इसको आपने y मान लिया, ठीक है, let this be y. Same funda, क्या? This implies a raised to power n y is equal to x, ठीक है, यानी के a raised to power n y is equal to x यहाँ पे. अब मुझे थोड़ा suggestion दो, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, what should I do to prove this further? Yes, बेटा आशी, we will definitely work on a timetable for JE. अभी इस पे focus करते हैं. A raised to power ny is equal to x. Tell me what is going to happen over here. अब मैं क्या करूँ? मुझे value y की चाहिए. Yes, anyone, इसमें मुझे बताओ क्या किया जाए यहाँ पे? Divide by ny? No, not divide by. फिर से nth root ले? Yes, nth root ले अगर, तो क्या बचेगा देखो? a raised to power y is equal to x raised to power 1 by n. अब log लो, now take the log, okay? So अगर आप log लोगे, now log में क्या आएगा आपके, ये x raised to power 1 by n. एक मिनट guys, a raised to power y is equal to x. तो एक सेकेंड, a raised to power y equal to x में क्या होता था, log में ये power वाला आ जाता था. Yes, log of this, ये बेचारा जिसने पावरफुल, नो या y इज इक्वल टू, ये हमारा बेस में चला जाएगा, ये चीज आएगी. यस बच्चों, इज दिस व्हाट वी आर गेटिंग? नहीं, यहां पे कुछ तो गड़बड़ की है. यहां तक एवरीबडी इज क्लियर? यस, यहां पे एवरीबडी इज क्लियर. अब देखो आगे इसको कैसे अप्लाई करते हो. अगर यहां पे मैंने k की जगह y लिया था तो मेरे पास एन वाई ये चीज आ गई थी. यस एवरीबडी गॉट दिस, x इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन के. अब आप लॉग ले लो, ठीक है, एनथ रूट मत लो क्योंकि उससे और कॉम्प्लिकेट हो रहा है. जस्ट टेक लॉग डायरेक्टली. लॉग लेते ही क्या होगा,
एन के ये पावर में है, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन वाई आया था मेरे पास, ठीक है, पावर में आपने एन वाई इज इक्वल टू लॉग, ये बेचारा बेस बन जाएगा, दैट्स इट, वी आर डन, ये वन बाय एन लॉग एक्स आ जाएगा। आई थिंक देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स राइटिंग कि मैम डायरेक्टली लॉग ले लो, बिल्कुल यस आई नो, जैसे यहाँ पे अमर बोल रहे हैं, मोंटू बोल रहे हैं, लॉट ऑफ यू आर सेइंग कि मैम पहले ही लॉग ले लेते, बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें nth रूट की कोई जरूरत नहीं थी, यू कैन डायरेक्टली टेक लॉग। जितेश बस अब अभी हम क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं, अनदर वन और टू प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं। यार बेस चेंज तो लिख दिया, फॉर्मूला तो है ही नहीं, आई विल टेल यू द फॉर्मूला। एक बात बताओ, पहले मैं इसमें एक क्वेश्चन लूंगी, कल भी मैंने लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव्स करते हुए एक चीज करी थी आपके साथ, टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिखो, एवरीवन जस्ट राइट दिस, अगर आपको इसका आंसर आता है तो राइट द फाइनल आंसर इन द चैट बॉक्स। यस बच्चों देखें यहाँ पे एवरीबडी, यस बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं मैम 1 बाय लॉग 7 इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक बात आप लोगों को बोली थी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो ई होता है, ओनली ई, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ई पसंद है, दिस इज ओनली 1 बाय एक्स, यहां तो 7 है, दिस वन हैज ओनली 7, वट शल आई डू, यस वट शल आई डू, नाउ आई ब्रिंग अपॉन द नीड फॉर बेस चेंज फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, आपको यार जो भी बेस चाहिए, ठीक है, जैसे आपका ये, दिस वॉज द क्वेश्चन, बट यू वॉन्ट कि ए में कुछ जादू हो और ये फटाफट से ई बन जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका मन कर रहा है वो आप बेस के साथ राइट योर फंक्शन, जो आपका मन कर रहा है, फिर से बोल रही हूं, अपॉन न्यू बेस के साथ ओल्ड बेस, अंडरस्टूड, एक बार दोबारा देखो, तो ये इसीलिए क्या होता है, 1 बाय लॉग 7 कम्स आउट एज कॉन्स्टेंट एंड ये लॉग ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करके हम 1 बाय एक्स लिख देते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर टाइम, क्या किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 7x था पर मुझे चाहिए बेस 10, आई वॉन्ट ओनली बेस 10, तो आप क्या करोगे, जो आपको चाहिए, आपकी डिमांड सबसे ऊपर, तो आप लिखो लॉग एक्स को विद द बेस 10, लेकिन टू बैलेंस इट आउट आप अपने ओल्ड बेस को यहां पे लिख दो। अंडरस्टूड, यू कैन प्रूव दिस आल्सो, बट दिस इज गाइस द बेस चेंज प्रॉपर्टी। सबको समझ में आई, गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट यू वांट एंड फिर ओल्ड वाले बेस के साथ, न्यू बेस के साथ ओल्ड वाला बेस लिख दो। एवरीबडी यस यस, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यार ये तो इस प्रॉपर्टी को मैं बोलती हूं द उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, एवरीबडी इसको याद कर लो, दिस इज द उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, यस ओके एवरीबडी, व्हाई इज दिस द उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ए रेज टू पावर लॉग बी उसने बोला इज द सेम एज बी रेज टू पावर लॉग ए, समझ रहे हो, उल्टा पुल्टा हो चुका है यहाँ पे, a raised to power log b is the same as b raised to power log y, log a, if I have to understand कि इसका प्रूफ क्या है, चलो if I say a raised to power log b is let's say y, ठीक है, is let's say y, अब आप इसको कैसे लिखोगे, tell me conversion कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चों ने स्माइली भेज दी है मुझे, बहुत सारे बच्चों ने, yes अगर आपने इसको y ले लिया है, नाउ टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू मेक द कन्वर्जन बच्चों, यस कन्वर्जन आप कैसे करोगे, यही वाली चीज a रेज टू पावर x इक्वल टू y में कैसे कन्वर्जन होती थी यहाँ पे, कुछ बच्चे कह रहे हैं लॉग ले लो, नहीं बेटा ये देखो इसमें कैसे कन्वर्जन करते थे, ये जो आपका होता था ये बेस में चला जाता था, यस दिस यूज टू गो इन द बेस, y इज इक्वल टू x, है ना, तो log b is equal to log y and यहाँ बेस में आ गया है a, yes or no, yes or no in the chat box, बिल्कुल बच्चों ने यही आंसर लिख दिया है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ log y upon log a, बेस कन्वर्जन के साथ यार,
माई लॉग बी इज लॉग वाई अपॉन लॉग ए. ओके करेक्ट. अब सेम काम आप इसके साथ करो, ठीक है. बी रेज टू पावर लॉग ए मान लो इज इक्वल टू एक्स. सो सेम रूल लगाओगे, ये बन जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एक्स विद द बेस बी. ठीक है, इसमें भी बेस चेंज लगा दिया तो log x अपॉन log b कुछ भी हो सकता है बेस. दैट्स वाई आई हैव जस्ट रिटन इट डायरेक्टली. अब यार अगर मैं इनको, अगर मैं देखो यहां से मेरा log a क्या आ रहा है, यहां से जरा देखो, यहां से आपका log y क्या आ रहा है, log a इंटू log b. एंड यहां से मेरा log x क्या आ रहा है, यहां से मेरा log x क्या आ रहा है, फिर से वही log a इक्वल टू लॉग बी. यानी लॉग एक्स इज द सेम एज लॉग वाई, मतलब एक्स और वाई बिल्कुल सेम है. अंडरस्टूड नो? यस. फिर से देखो, लॉग वाई मतलब लॉग ए इंटू लॉग बी एंड लॉग एक्स इज ऑल्सो लॉग ए इंटू लॉग बी. यानी कि लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई सेम बेस के साथ. तो मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई. क्या था, ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था. डन एवरीबडी, दिस इज डन. ठीक है everyone, so all the proofs are already available with you. आगे जाने से पहले बच्चों, if any of you is preparing for JEE 2020, अब तो यार exam की dates declare हो गई है boss, अब तो serious हो जाओ. yes, अब तो पढ़ लो. and of course I will come up with the new timetable and strategy. मगर आप चाहते हो कि आपको ऑटोमेटिकली कोई धक्का मारता रहे, देन दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू. बिकॉज यहाँ पे एवरी डे यू आर गोइंग टू हैव थ्री सेशंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. ठीक है, वन एंड अ हाफ आवर के सेशन है. सेशन ओवर होते ही यू गेट योर होम असाइनमेंट्स. होम में ही हो यार, असाइनमेंट भी कर लेना. उसके बाद यू कैन आस्क योर अनलिमिटेड क्वेरीज. ओके, प्लस टेस्ट, यार टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो गेट अपडेटेड. तो ये टाइम है, फ़ायदा उठा लो बॉस. ठीक है, तो टेस्ट में फिर टेस्ट को एनालाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल ना, टेस्ट में गड़बड़ कर खा रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए. ऑल राइट, सो एवरी थिंग हैज़ बीन वेल डिसाइंड बाय कीपिंग द टाइम लाइन इन द माइंड. ओके, सो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे यू कैन मूव टू vdnt.in/jeecce. इस पे क्लिक करके आप बोल सकते हो आई हैव अ कूपन कोड एंड यू कैन यूज नेहा अग्रवाल्स कूपन कोड. सो NAG, दैट्स नेहा अग्रवाल CC क्रैश कोर्स, एंड यू कैन गेट इट एट दिस प्राइस ओनली. तो यहाँ पे प्राइस की बात नहीं है, यहाँ पे प्राइज की बात है जो आपको मिलेगा वंस यू क्लियर योर JEE, वंस यू गेट इन टू अ ड्रीम कॉलेज. एंड हियर द IITians, द एक्सपर्ट्स आर हेल्पिंग यू टू डू द सेम. चलो ये काम करो, क्योंकि इस स्लाइड के उस पार हमारे पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल फोड़ फाड़ मचाएंगे. एवरीबडी, यस एवरीबडी, आर वी गोइंग टू गेट अहेड विद दिस नाउ? फटाफट से. यस गाइस, चलिए. सो एज प्रोमिस, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग क्यूब रूट ऑफ 4 विद द बेस 2. क्वेश्चन तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है. यस, अब आ जाओ मैदान में, बिकॉज अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. आपको सारे वेपन्स दे दिए हैं, अब आप शूट करना शुरू करो. ठीक है, लेट्स चेक दिस आउट. यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, लाइक 2/3 एंड 3/2 का मिक्सचर. लेट्स सी व्हाट इज करेक्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलती हूँ, इसको लिख लेते हैं 4 raised to power 1/3 एंड आई कॉल दिस एज लेट्स से y. y की वैल्यू निकालनी है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी आई कैन अप्लाई इज सुपर स्टार. ये रेस टू पावर समथिंग है, मारी इसने जंप, समझ गए, जंप मारी एंड इट कम्स आउट this way. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? I'm going to go slow so that nobody makes any mistake. अब आप 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 square. एक बार और 2 को भी बोलो मारो jump. Yes, 2 ने भी मारी jump. It will be 2/3 log 2 to the base 2. And this was my, आई गेस सेकेंड प्रॉपर्टी, कि अगर ये बेस और नंबर मैच कर जाए सो द आंसर इज 1. दैट मीन्स 2/3. कितने बच्चों का 2/3 आ गया है? एवरीबडी वेरी क्विकली
जल्दी जल्दी से बता दो मुझे, 2/3 आ गया, ऑसम, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 0.01 इन द बेस 1000. यार इसी तरह ब्लॉग्स की तरह कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके अटक रहे हैं ना, मेक श्योर टू कॉमेंट दैट अंडर दिस वीडियो सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द सेम. ओके, लेट्स चेक दिस. फिर से एक बार इसको y लिखा, ठीक है, ये क्या हो गया यार, 0.01 यानी मैं इसको 1/100 बोल सकती हूँ. यस, 1/100 बोल सकती हूँ, बिल्कुल. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या होने वाला है. इसको मैं बोल सकती हूँ 10^-2 एंड ये आपका है 10³. तो सबसे पहले तो यार इसकी पावर में है, इसको बोलो जंप मारे, ये मारेगा जंप एंड पहुंच गया यहाँ. 3 log 10^-2 इज वाई, करेक्ट, दिस इज वॉट आई गेट, एब्सोल्यूटली. अब देखिए क्या होता है यहाँ पे. नाउ ऑफ कोर्स ये होता है तो यार देखो, अगर आपकी बेस की पावर होती है तो आपको बताया था 1/n कम्स आउट, यानी कि 3/-2 कम्स आउट. ओके, अरे हम 10 तो भूल ही गए. यस, फिर से दिस इज 1, सो माय आंसर इज -3/2. कितने बच्चों का आ गया -3/2, एक बारी हाई फाइव हो जाए. यस, -3/2 कितने बच्चों को आ गया, हाई फाइव हो जाए. ओके, एंड इफ यू सीरियसली फील दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू आउट, तो बिल्कुल भी यार इस काम से मत घबराना कि हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मेनी मेनी मोर वीडियोस. चलिए इसको करते हैं. अब धीरे धीरे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन करेंगे ना, यहां से यहां पे आएंगे. एवरीवन, लेट्स डू दिस. सो लॉग 1/8, ये क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझ लो, 1/8 इज गिवन टू बी -3/4. वॉट इज द वैल्यू फॉर एक्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले तो आई कैन राइट 8 एज 1/2³, ठीक है. जंप मारी, जंप इसने आ गया 3 log x. अच्छा, 1/2 को आई कैन ऑल्सो राइट एज 2^-1, ठीक है. 1/2 आई हैव ऑल्सो रिटन एज 2^-1, क्यों, ताकि एक बारी और जंप मारे ये. तो दिस वन ऑल्सो मारोड जंप एंड केम आउट एज -3 log x^2 = -3/4, यानी कि मेरे पास क्या पहुंच गया है. एवरीबडी, अब वही हमारी घिसी पिटी कहानी. वॉट वॉज द कहानी, हाउ टू यूज योर बेसिक डेफिनेशन. फिर से वही चीज. इसमें आप क्या करोगे, x^1 = 2, करेक्ट. x आपका 2 आ गया है, इज इट टू बच्चों, बच्चे बोल रहे हैं मैम फोर है आंसर टू. सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कुछ तो मिस किया है. अच्छा, 1/4 मिस कर दिया है. Yes, my bad. तो x^1/4 = 2, और जैसे ही आप फोर्थ रूट लोगे, फोर पे रेस टू बोथ द पावर्स करोगे, 16 इज द आंसर. कितने बच्चों का 16 आ गया है. यस, क्विकली कम ऑन गाइज, वी आर ओनली 50 लाइक्स अवे फ्रॉम 1000 विद इन द सेशन. ये काम तो करो ना. 16, अमेजिंग, क्या बात है, क्या रिस्पॉन्स है, मतलब बच्चों को मजा भी आ गया है और समझ भी आ गया है. लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. आई होप हर बच्चे ने ये काम कर दिया है. ओके, चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू आर गिवन दीज टू साइड्स एंड यू हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी. कैसे करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस बच्चा लोग. यस, यहां पे देखो, वॉट इज दिस गोइंग टू बी, log a + b/2. अच्छा, आपको उल्टा भी करना आना चाहिए. ये बेचारा यहां है तो इसको जंप करके बोलो वापस जाए अपनी जगह पे. यस, उससे पहले चलो नहीं करना चाहते. वॉट वॉज log a + log b, दिस वॉज log ab, राइट. आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी स्टेप. अब फिर से इसको बोलो, कम ऑन भैया, जंप एंड रीच द पावर. सो मैंने ये क्यों किया, मुझे बताओ, व्हाई डिड आई डू दिस थिंग.
क्यों मैंने ऐसी चीज करी, ताकि दोनों तरफ लॉग आ जाए। एंड हम बोले कुछ तो लोग कहेंगे, समझ गए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लॉग है तो उसका एंटी लॉग लेंगे, राइट। सांप काटेगा तो एंटीडोट लोगे ना उसका, सेम वे। तो मतलब हम इसका एंटीडोट क्या है लॉग का, ई, एक्सपोनेंट फंक्शन। ओके, सो आई विल रेज बोथ द साइड्स टू ई, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ जो मेरे पास बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी रूट ए बी। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज जीरो। ऑब्वियस ही बात है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज अ जीरो, यानी ए इक्वल टू बी। आ गया है आपको समझ, तो एक स्माइली दिख जानी चाहिए। यस, इफ यू आर डन देन यू कैन गिव अ स्माइली। ऑफ कोर्स यार, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स करके ही हाई लेवल की प्रॉब्लम्स पे पहुंचेंगे। एवरीबडी, यस, समझ में आया। अच्छा, बिफोर वी गो आगे, वेरी वेरी क्विकली, इसी वीडियो के नीचे, यस, इसी वीडियो के नीचे, इफ यू गाइज मूव टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यहाँ पे जेई के स्टूडेंट्स के लिए देयर इज अ गोल्ड माइन। क्यों गोल्ड माइन, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 प्लेलिस्ट है, ये आपकी जेई का पूरा क्रक्स है। इन द सेंस, 1 से 1.5 आवर की वीडियोस, ओके, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड हैं, जिसके अंदर आपके 2020 जनवरी में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस कवर्ड है, 2019-18 कुछ ट्विस्टर्स यानी कि टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस, प्लस योर होमवर्क असाइनमेंट्स, एवरीथिंग कट शॉर्ट इनटू 1, 1.5 आवर। सो मेक श्योर यू आर चेकिंग दिस आउट, बच्चों बिल्कुल भी मिस मत करो। And with the JEE new dates announced, definitely we are working on something very very fresh also. So JEE ka time matlab 5 PM. So 5 PM matlab JEE with Neha ma'am. To koi aapse puche 5 baje matlab JEE with Neha ma'am only on Vedantu Math. All right? Chaliye, let's go ahead with more questions. Everyone, let's look at this. आहा, इसको कैसे करें? कम ऑन बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे? लेट्स चेक दिस आउट, हाउ आर वी गोइंग टू किल दिस। बेटा आपको जो भी आपको मुझे सजेशंस देने हैं, मेक श्योर टू कमेंट इट अंडर दिस वीडियो, ठीक है? क्योंकि मैं कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ती हूँ। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते कई बार चैट्स इवेपोरेट हो जाती हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। एक तो ये ए बी, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लॉग ए क्यूब प्लस लॉग बी क्यूब माइनस लॉग सी क्यूब। इतना आई होप सबको समझ में आ गया है। हाउ एम आई अप्लाइंग, मैंने दो प्रॉपर्टीज लगा दी। लॉग ऑफ डिविजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस माइनस दिस। एंड लॉग ऑफ ए क्यूब इंटू बी क्यूब क्या हो जाएगा, log a cube plus log b cube। तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लगा दी हैं। लेट्स गो अहेड प्लस, कई बच्चों ने आंसर निकाल दिया यहाँ पे, log b cube plus log c cube minus log d cube plus log c cube plus log d cube minus log a cube, ठीक है, minus 3 log b square c, मतलब इसको एक्चुअली ब्रेक कर दो, log b square plus log c, ठीक है जी। A lot of cancellations would happen here, जैसे कि बच्चे मुझे आंसर दे ही रहे हैं इन द चैट बॉक्स। सो जैसे ये log a cube कैंसिल, log c cube भी कैंसिल, और क्या हो रहा है कैंसिल हमारा, कुछ और हो रहा है, यस, log d cube। तो बचा क्या है यार, log b cube plus log b cube, सो 2 log b cube, है ना। What else is left? This plus log c cube, है ना। And इसको अगर मैं open करूँ तो minus 3 log b square, मतलब ये jump mark के ऊपर पहुंच सकता है and can become log b raised to power 6 and ये बच जाएगा minus log c cube, ये भी cancelled, अब ये भी jump mark के log b raised to power 6 बन जाएगा, है ना। तो यानी कि these two also get cancelled,
Zero, the superhero is the answer. So D for Delhi, absolutely the desired answer. यहाँ बच्चों ने मतलब already I think ये करना शुरू कर दिया था, है ना? Awesome guys, super awesome. ठीक है, चलिए this is the next question. ओहो क्या बात है, क्या धमाकेदार question है. Let's see if xy square is equal to 4, आप अपने आप पढ़ो, then x is equal to what? Yes guys, come on, let's see this बच्चों, इसको कैसे करने वाले हैं. Okay, x is equal to what? यार मुझे easy way out लग रहा है कि x को ना अगर मैं 4 by y square कर दूं. Yes, because यहाँ पे already y है and it's more difficult to convert. अगर आप देखो y square को बोलोगे x by 4, तो फिर यहाँ y है, उसको आपको बोलना पड़ेगा root x by 2, वो भी plus minus, पर चलो minus तो नहीं हो सकता, but root से अच्छा ये है, 4 by y square है, agreed? चलो, so this is going to be log to the base 3, log to the base 2, 4 by y square, ठीक है, plus log to the base, अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो 3 raised to power minus 1, है ना, और इसको log and 2 raised to power minus 1 is equal to y, कर सकते हैं ऐसे, everybody understands this, ठीक है जी. अब यहाँ पे क्या करें, अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे conversions क्या होने वाली है. कई बच्चों ने यहाँ पे answer D देख दिया है, यार बहुत ही powerful काम करते हो तुम, तो बहुत ही powerful काम करते हो. So यहाँ पे तो देखो as it is हमने लिख दिया, okay? Let's say we continue to write this, ठीक है? यहाँ पे क्या हो सकता है? आपका ये क्या होगा? जब base पे power हो तो बाहर 1 upon n आ जाता है, यानी कि ये minus log to the base 3 आ जाएगा. Let this one be as it is बच्चों, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. एक एक करके लेते हैं, log a minus log b. तो यार ये power मैंने क्यों की? क्योंकि all these properties मैं बार बार कह रही हूँ are only applicable जब base same हो, correct? So log a by b हो जाएगा ये. ठीक है जी. Now what are we going to do further? Everybody, कौन मुझे बताएगा अब इसके आगे क्या करेंगे हम? Yes, इसके आगे क्या कर सकते हैं? देखे जरा. अच्छा, this is already equal to 1. तो यार एक काम नहीं कर सकते हम, वही वाली प्रॉपर्टी अपनी पावर और रूल वाली कहानी फिर से सुनाएं इसे. If I say this means log to the base 4 by y square and यहाँ पे log half y is equal to, ये हो जाएगा आपका 3 raised to power 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था. ये स्टेप सबको समझ आया कि नहीं? वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप. यस, वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप. कितने बच्चों को समझ आ गया है? यस और नो? क्योंकि इसके बाद आई एम गोइंग टू इरेज एंड देन टेक यू फर्दर. ठीक है, कई बच्चे आंसर ऑलरेडी दे रहे हैं. ठीक है, आई कैन हियर. यस, चलो ये मुझे मिल गया है, सब कुछ मैं इरेज कर रही हूँ एंड आई एम ओनली कीपिंग द रेलिवेंट पार्ट विच इज आई हैव गॉट 3 इज इक्वल टू. अच्छा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो चलेगा? इनटू 3 इज इक्वल टू दिस. अब इसको कैसे सॉल्व करते हो? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व फॉर वाई? लेट्स सी कैसे करेंगे इसको सॉल्व गाइस. मुझे तो यार रास्ता नहीं समझ आ रहा, आपको आ रहा है तो बता दो. यस, आपको आ रहा है तो बता दो. बच्चों ने यहाँ पे कुछ कुछ आंसर देना शुरू कर दिया है. यस, yes, बिल्कुल ठीक. सबसे पहले तो बच्चे कह रहे हैं इनके बेस सेम करो, है ना, जो हम पहले करना चाह रहे थे. वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ. सो दिस बेस वुड कम आउट एंड दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस 3 लॉग. ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं. एवरी वन, यस, माइनस 3 बाहर आ गया. अब मैं इसको वापस ऊपर जंप करवाऊं, इसको ऊपर जंप करवाओ.
क्यों कर रही हूं मैं ये एक्सरसाइज? ताकि दोनों का बेस सेम आ जाए एंड देयर इज नथिंग एल्स. सो बस ऑसम, लोग मिल गए हैं दोनों, हो गया है कमाल, करेक्ट. व्हाट हैज हैपेंड नाउ अगर आप एंटी लॉग ले लोगे तो ये आ जाएगा. ओके जी, सो व्हाट्स माय वाई बच्चों? एज पर दिस मेरा वाई क्या आ जाएगा? 1/y = 1/4, ये आ रहा है हमारा आंसर. तो यानी y इज 4, अगर आपका y 4 है, इफ योर y इज 4 तो x क्या आएगा? y 4 है कि 1/4 है? y 1/4 है, यस. आई थिंक ये मैंने उल्टा लिख दिया है. y 1/4 है तो योर x विल ऑटोमेटिकली बिकम 64. बिल्कुल ठीक, योर x विल ऑटोमेटिकली बिकम 64. कहां से? यहां पे सब्स्टिट्यूट करके. एवरीबडी, सबको समझ में आ गई है ये बात? मजा आया? अब फिर लो एक और क्वेश्चन. ये है हमारा आज का बाउंसर. लेट्स चेक दिस आउट. इसको कितने बच्चे खेलते हैं? और यार मैम बोल नहीं रही तो लाइक करना बंद कर दोगे क्या? एवरीवन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. और मैं आपसे मिल रही हूँ 12 बजे फॉर क्लास 11th के टॉपिक्स. बट दोज टॉपिक्स आर फॉर एनीबडी हु इज अपियरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, योर NDA, योर JEE, चाहे 2020 बैच के हो, 21 के हो, 22 के लिए हो, सबके लिए है. 5 PM बोले तो नेहा मैम का टाइम फॉर JEE 2020. एंड 10 बजे हम मिल रहे हैं मेंटी मेंटी के साथ, है ना? चलिए, व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर? चलो बच्चों, ये अजीब अजीब सी तीन टर्म्स है और हमको ये फाइंड करना है. यार ये क्या बात हुई, है ना? ये क्या बात हुई? सपोज आई टेक एवरी रेशियो, सिंस दे आर इक्वल टू सम के, लेट्स टेक दिस टू बी सम के. अब क्या करें? लेट मी टेक ओनली द फर्स्ट वन, log x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के. यार इसमें मुझे एक छोटी सी ट्रिक सोच रही हूँ मैं, टेल मी इफ आई कैन डू दैट. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब. कैसे? If I multiply ऊपर एंड नीचे विद a माइनस बी, आहा, देन ये क्या हो जाएगा? log x इंटू ए माइनस बी, एंड ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू के, करेक्ट. ये काम हमने क्यों किया? हाउ इज दिस हेल्पिंग मी? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे, हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प अस? यस, यानी कि मेरा क्या होने वाला है मेरे पास, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, a माइनस बी को मैं करवाऊंगी जंप. ये एक्चुअली ऐसे है, कुछ बच्चों शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ऐसे है, ठीक है? तो ये मार सकता है जंप यहाँ पे, एंड दिस कैन बिकम log ऑफ x रेस टू पावर a माइनस बी इज इक्वल टू k टाइम्स a क्यूब माइनस बी क्यूब. ओके, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो. अगर आपको ये मिल गया है बॉस, यस, कैन यू फाइंड द सेम थिंग फॉर log y? नाउ log y रेज टू पावर b माइनस सी क्या होगा? गोइंग बाय द सेम थिंग, मैं रिपीट नहीं करूंगी, गो बाय द सेम थिंग, दिस इज गोइंग टू बिकम k इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब. एंड गोइंग बाय द सेम लॉजिक बच्चों, log z रेज टू पावर c माइनस a क्या हो जाएगा? k इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब. अब मुझे बताओ, मैं इन तीनों को ऐड करूं या मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं? ऐड या मल्टीप्लाई इन द चैट बॉक्स. यस, शैल आई ऐड देम, शैल आई मल्टीप्लाई देम? क्या करोगे आप लोग? यस, लेट मी सी. ऐड, बहुत अच्छा, अमेजिंग. यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड दीज थ्री, और फिर क्या होगा द मोमेंट यू ऐड ऑल ऑफ देम? सो एडिंग ऑल, ठीक है, ऐड ऑल थ्री, क्या आ जाएगा आपके पास? बेसिकली बेस सेम ही होगा, x रेस टू पार a माइनस बी, ठीक है, y रेस टू पार b माइनस सी, z रेस टू पार c माइनस a. ऐड करते ही ना log a प्लस log b प्लस log c बिकम्स log a b c इज इक्वल टू k टाइम्स, यहाँ क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, इफ आई टेक k कॉमन, प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब. ओके जी, ओके जी. तो यानी ये तो हो गया हमारा शून्य. इन टर्म्स ऑफ लॉग मैं जीरो को क्या लिख सकती हूँ? यस, इन टर्म्स ऑफ लॉग मैं जीरो को क्या लिख सकती हूँ?
log 1, है ना, with the same base, यानी कि this entire thing is going to be equal to 1. That's it. ऐसे नहीं करना, तो अपना direct वो power वाला conversion formula कर लो and उससे directly लिख लो. Okay? C for चींटी. कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम C for चींटी है answer. Everyone guys, आज मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ कितने बजे? 10 बजे. ठीक है, महामेंटी क्विज होने वाली है आपकी. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं कि बाय गॉड, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, एनडीए, सीबीएसई, कुछ भी, एंड इफ़ यू आर डैम सीरियस अबाउट इट, तो 10 बजे ज़रूर मिलना इन फुल अटेंडेंस, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड बहुत जल्दी क्विक वाला रिस्पॉन्स होगा. ऑलराइट, तब तक ये प्रूव करके देखो और मुझे बताओ येस और नो इन द चैट बॉक्स कि ये हुआ या नहीं हुआ. एवरीवन, यस एवरीवन, हुआ कि नहीं हुआ ये? ओके, एंड इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, मेक श्योर टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. ये काम तो कर ही लेना यार. सबसे पहले टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड करना, बिल्कुल फ्री है, चाहे आईफोन यूज़र हो या एंड्रॉयड. उसके बाद इस लिंक पे जाके क्लिक करके एंड मेक श्योर यू ज्वाइन आर ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ शेयर होते हैं मेरे ग्रुप, मेरे हर सेशन की फ्री PDF, प्लस यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई एम ऑनलाइन. यार ये कितने बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अमेजिंग एक्सपीरियंस है. यहाँ पे बहुत सारे फ्री सेशंस, लाइव क्विजेज, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें चलती हैं यार. जाके चेक तो करो, गूगल ने हमको यूजर्स चॉइस अवार्ड दिया है, ऐसी थोड़ा ना दिया होगा, है ना. मेक श्योर टू डू दैट. अभी के अभी प्ले स्टोर पर जाओ एंड डाउनलोड द लर्निंग ऐप. ये काम नहीं किया तो बस भूत आ रहा है अभी अभी के अभी मैथ का. ओके, आई विल सी यू गाइज 10 PM again. Till then, thank you so much for watching. Bye-bye.